Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 16 of complex analysis by Denizel Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 प्रश्न नंबर 1-14 डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स 1-4 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शंस। इन क्वेश्चन में हमने फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई की पावर जेड प्लस अल्फा। अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर भी एक फंक्शन है, यानी एफ ऑफ जेड कह लें। इसी तरह स्टूडेंट्स e की पावर z प्लस आयोटा, ये भी हमारे पास एक फंक्शन है, इसे आप g ऑफ z कह लें। जब आप इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे तो उस वक्त में हमें स्टूडेंट्स क्या होगा, z स्क्वायर e की पावर z प्लस 1। जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो उस वक्त में आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, ठीक है। यानी पहले आप स्टूडेंट्स एफ का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जी वैसे रहेगा प्लस, फिर स्टूडेंट्स आप जी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ वैसे रहेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू डी ओवर डी जेड इन टू जेड स्क्वायर ई की पावर जेड प्लस 1। अब देखें यहाँ पर इसको अगर आप स्टूडेंट्स जी कह लें तो जी वैसे यानी ई की पावर जेड प्लस आयोटा डॉट डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आप ले लें एफ का, यानी डी ओवर डी जेड जेड स्क्वायर प्लस, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एफ वैसे यानी जेड स्क्वायर डॉट डी ओवर डी जेड इन टू ई की पावर जेड प्लस आयोटा। जब आप स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं यानी डी ओवर डी जेड e की पावर स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू हो जैसे कि z प्लस आयोटा, तो उस वक्त में स्टूडेंट्स ये e की पावर z प्लस आयोटा वैसे आएगा और साथ में स्टूडेंट्स आप डेरिवेटिव लेंगे z प्लस आयोटा का। तो फिर रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स z डेरिवेटिव है तो आयोटा का डेरिवेटिव स्टूडेंट फिर जीरो आएगा, ये सिंपल स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आएगी e की पावर जेड प्लस आयोटा डॉट 1, इसे आप लिख सकते हैं ई की पावर जेड प्लस आयोटा। लेकिन जेड का डेरिवेटिव 1 तो आयोटा का स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या आ गया, 0, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं स्टूडेंट, जेड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये सिंपल बन जाएगा ई की पावर जेड प्लस आयोटा। और आप जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स अगर आप लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं में स्टूडेंट ये सिंपल e की पावर x ही आएगा, यानी अगर d ओवर डी एक्स इन टू स्टूडेंट e की पावर x अगर हमें गिवन होता तो उस रोज में हमें ये डेरिवेटिव हासिल होता है e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास z प्लस आयोटा था और इसलिए हमने स्टूडेंट यहाँ पर e की पावर z प्लस आयोटा लिखा और साथ में हमें डेरिवेटिव लिया z प्लस आयोटा का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम वही प्रोडक्ट यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, हमारे पास 2z आएगा, फिर देखें प्लस ये z स्क्वायर वैसे, इस तरह स्टूडेंट्स e की पावर z प्लस आयोटा का डेरिवेटिव क्या होता है, वो e की पावर z प्लस आयोटा होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स f प्राइम ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी, 2z e की पावर z प्लस आयोटा, यानी ये 2z, साथ में ये स्टूडेंट्स आएगा e की पावर z प्लस आयोटा प्लस ये आएगा स्टूडेंट्स z स्क्वायर फिर डॉट e की पावर z प्लस आयोटा। सो यहाँ पर हमें ये फाइनल आंसर मिल रहा है यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक रैशनल फंक्शन गिवन है, तो रैशनल फंक्शन की सूरत में स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन रूल को पढ़ चुकी हैं, तो सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पर
इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी स्क्वायर लेंगे आप पहले यहाँ पर इस वैल्यू का स्क्वायर, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, फिर डेरिवेटिव ये ऊपर वाला जो भी फंक्शन है यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेट, फिर स्टूडेंट्स आप लगाते हैं माइनस, फिर स्टूडेंट्स ये ऊपर वाला फंक्शन वैसे, फिर स्टूडेंट्स जो नीचे वाला फंक्शन होता है इसका आप लेते हैं डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स कोशेंट रूल, यानी यहाँ पर आप लिखते हैं सेकंड का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, यानी इसको आप कह लें ये फर्स्ट वैल्यू है, इसे आप कह लें सेकंड वैल्यू, तो सेकंड का स्क्वायर यहाँ पर सेकंड वैसे, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू का, फिर माइनस फर्स्ट वैल्यू वैसे, फिर स्टूडेंट आप डेरिवेटिव लेंगे सेकंड वैल्यू का। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं कोशेंट रूल को। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, कोशेंट रूल। तो देखें फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर डेरिवेटिव हम ले रहे हैं डी ओवर डी जेड इन टू थ्री ई की पावर टू जेड माइनस आयोटा ई की पावर माइनस जेड। तो इसका जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो थ्री तो वैसे आ जाएगा, अब आप ए की पावर टू जेड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा टू ए की पावर टू जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टोटल बन जाएगा वैसे, ये बन जाएगा सिक्स ए की पावर टू जेड। फिर स्टूडेंट्स आप आयोटा डॉट ए की पावर माइनस जेड का डेरिवेटिव लेंगे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो भी वैल्यू है ये वैसी की वैसी ही रहेगी, आपने सिर्फ इसी का है डेरिवेटिव फाइंड करना है जो भी यहाँ पर वैल्यू होती है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस आयोटा वैसे, अब ई की पावर माइनस जेड का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमें ऐसा होता है ई की पावर माइनस जेड डॉट डेरिवेटिव ऑफ माइनस जेड। तो देखिए माइनस जेड का डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव वन आएगा, यहाँ पर ये जेड है इसका डेरिवेटिव नेगेटिव वन आएगा स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा प्लस आयोटा ए की पावर माइनस जेड। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सिक्स ए की पावर टू जेड प्लस आयोटा ए की पावर माइनस जेड, ठीक है। फिर माइनस, अब हम स्टूडेंट्स डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है डी ओवर डी जेड इन टू जेड क्यूब माइनस वन प्लस आयोटा। तो जेड क्यूब का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, थ्री जेड स्क्वायर, और वन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आप देखें तो यहाँ पर जीरो, आयोटा का डेरिवेटिव भी जीरो, तो ये सिंपल आ जाएगा थ्री जेड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आती है थ्री जेड स्क्वायर, और साथ में तो ये तो वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर वैसे आ जाएगी। तो यहाँ से इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर भी सकती हैं, ना भी करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यही हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एफ प्राइम ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड क्यू माइनस वन प्लस आयोटा इन टू सिक्स ए की पावर टू जेड प्लस आयोटा ए की पावर माइनस जेड, फिर माइनस ये वैल्यू साथ में ये वैल्यू और ये इस वैल्यू का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इस तरह आप देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें तो हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर आयोटा जेड माइनस ए की पावर माइनस आयोटा जेड। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर कौन सा रूल यूज करेंगे, इस तरह अगर हमें गिवन हो एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड गिवन हो, तो अगर आप इसको कह लें स्टूडेंट्स एच ऑफ जेड कह लें, तो अगर आप एच प्राइम ऑफ जेड फाइंड करना चाहेंगे तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि एफ प्राइम ऑफ जेड माइनस जी प्राइम ऑफ जेड करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पर रूल यूज करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे डेरिवेटिव इस वैल्यू का, फिर माइनस स्टूडेंट्स फिर इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ई की पावर माइनस आयोटा जेड का डेरिवेटिव स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव ई की पावर आयोटा जेड आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आता है डी ओवर डी जेड। तो देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो ये भी हमें माइनस हासिल होगा, इन स्टूडेंट्स ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, यानी ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर आयोटा यानी आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा जेड। तो यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले सकती हैं,
तो ये आज बन जाएगा आयोटा इंटू ए की पावर आयोटा जेड प्लस ए की पावर माइनस आयोटा जेड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी इस नेगेटिव की वजह से स्टूडेंट्स, ये पहले भी नेगेटिव था तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप सिंपल ए की पावर आयोटा जेड का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सूरत में हमें सिंपल आयोटा ए की पावर आयोटा जेड ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो सूरत यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है डेरिवेटिव की। तो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एफ ऑफ जेड की वैल्यू गिवन है आयोटा ए की पावर वन ओवर जेड। तो सिंपल स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तब भी इसका सेम आंसर आएगा। तो अगर आप सिंपल आयोटा को वैसे रहने दें और अगर आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें इसका ए की पावर वन ओवर जेड का, तब भी स्टूडेंट्स सिंपल इसका वही आंसर आएगा एफ प्राइम ऑफ जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स आयोटा को वैसे रहने दें, तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल ही यूज किया है, ठीक है। तो अगर आप प्रोडक्ट रूल यूज ना करें तब आप सिर्फ सिंपल आयोटा को वैसे रहने दें और जो ये सेकंड वैल्यू है इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है। तो फिर भी स्टूडेंट देखें आयोटा का डेरिवेटिव जीरो आता है तो ये फिर भी सिंपल यही वैल्यू हो जाती है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ए की पावर वन ओवर जेड इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, ये देखें तो ये पहले स्टूडेंट्स आ जाएगा ए की पावर वन ओवर जेड, फिर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वन ओवर जेड का। तो स्टूडेंट्स वन ओवर जेड पर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लें, या अगर आपको वैसे इसका डेरिवेटिव पता हो तो ये स्टूडेंट बनता है नेगेटिव वन ओवर जेड स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आता है। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिव वन ओवर जेड स्क्वायर डॉट ए की पावर वन ओवर जेड, या इससे आप लिख सकते हैं माइनस ए की पावर वन ओवर जेड स्क्वायर, ये भी आप स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं ये वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने यही वैल्यू लिखी है, तो साथ में स्टूडेंट्स ये आयोटा था ये सिंपल बन जाएगा नेगेटिव आयोटा ए की पावर वन ओवर जेड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एफ प्राइम ऑफ जेड की वैल्यू। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इन प्रॉब्लम्स 5 to 8 राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जो भी टर्म गिवन है वो है इन द फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है। यानी हमें जेड की फॉर्म में टर्म्स गिवन है लेकिन इन्हें हमने कन्वर्ट करना है एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट यहां पर हमें गिवन है ए की पावर जेड स्क्वायर माइनस जेड का मॉड। वैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ए की पावर एक्स का मॉड हमारा स्टूडेंट क्या होता है, वही ए की पावर एक्स होता है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट देखें ए की पावर आयोटा थीटा का मॉड देखें तो ये स्टूडेंट हमारे पास सिंपल वन आता है, ठीक है। ये वन कैसे आता है देखें, ए की पावर आयोटा थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, इसके इक्वल होता है। तो अगर आप इसका मॉड लेते हैं आयोटा थीटा का तो इसकी हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ये सिंपल हमें वन ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं सिंपल ए की पावर जेड स्क्वायर माइनस जेड का मॉड मैं लिख सकता हूँ ए की पावर जेड स्क्वायर माइनस जेड, तो ये मैं सिंपल यहां पर लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम ये जेड स्क्वायर माइनस जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लिखें तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहां पर ये वैल्यू भी आ सकती है स्टूडेंट्स। तो जब इसको मजीद आप सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें एक ये वैल्यू हासिल होगी, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू का यानी
इस फॉर्म में ये हमें वैल्यू हासिल होगी। इस फॉर्म का आपको पता है कि डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो वन ही होता है। अभी आपको यहाँ पर ये बताते हैं कि ये कैसे आ रहा है। तो पहले देखें जेड स्क्वायर माइनस जेड को, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स प्लस रोटा वाई का स्क्वायर माइनस एन टू एक्स प्लस रोटा वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर जेड की वैल्यूज लिख ली हैं। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये सिंपली आपको पता है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई रोटा। फिर आप जब ये माइनस अप्लाई करते हैं तो ये माइनस एक्स माइनस रोटा माइनस। तो यहाँ से आप फिर रियल पार्ट्स को अलहदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा कर लें। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एटा इंटू टू एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप सिंपल लिख देंगे अब ए की पावर जेड स्क्वायर माइनस जेड का मॉड विच इज इक्वल टू ए की पावर जेड स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए की पावर जेड स्क्वायर, सॉरी ये इसकी वैल्यू आप यहाँ पर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एन टू टू एक्स वाई माइनस वाई आयोटा। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं बिकॉज बेस सेम हो जाएगी तो पावर ऐड होके फिर ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो अगर आप इस चीज का देखते हैं स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हमेशा में वन ही हासिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसे यूज करते हुए मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि इस वैल्यू की हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो वन होगी। तो ये सिंपल आ जाएगा ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर हमें गिवन हो एक्स प्लस एटा वाई का मॉड, तो स्टूडेंट्स हम इस टोटल वैल्यू को लिख सकते हैं ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर एटा वाई का मॉड। फिर आप मॉड की प्रॉपर्टी यूज करें तो इसको आप लिख सकते हैं की पावर एक्स का मॉड डॉट ए की पावर एटा वाई का मॉड। ठीक है, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसका मॉड वही ए की पावर एक्स आएगा, और इसका अभी मैंने देख आपको ये बताया कि इसका मॉड क्या आता है, वो वन आता है। तो सिंपल ये स्टूडेंट्स ए की पावर एक्स आएगा, यानी रियल वैल्यू, ये स्टूडेंट्स क्या है रियल वैल्यू है। तो अगर हम ये जेड स्क्वायर माइनस जेड, अगर हम यहाँ से रियल पार्ट को देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो यही हम स्टूडेंट्स ए की पावर लिख देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स के ए की पावर जेड माइनस सॉरी जेड स्क्वायर माइनस जेड का मॉड, ये इक्वल आता है स्टूडेंट्स ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये सिंपल इसका आंसर आता है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या करना था इन क्वेश्चन में कि जो भी हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है इसे हमने सिंप्लीफाई यानी करके एक्स और वाई के फॉर्म में ये हमने सॉल्व करना है। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है आर्गुमेंट ऑफ ए की पावर जेड माइनस एटा ओवर जेड। ठीक है, तो पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है जेड माइनस एटा ओवर जेड, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इससे पहले आप सॉल्व करेंगे, और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस ए की पावर यहाँ पर जो भी वैल्यू है जेड माइनस एटा ओवर जेड, फिर इसका हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता दूं, अगर हमें कोई जेड गिवन हो आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, तो स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स जो भी हमारे पास नंबर है इसका आर्गुमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको ऑलरेडी पता है, ये होता है स्टूडेंट थीटा प्लस टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें चाहिए अब थीटा चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमें जेड गिवन है स्टूडेंट्स ए की पावर जेड माइनस एटा ओवर जेड, तो पहले हम इस वैल्यू का थीटा फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे थीटा, और फिर इसमें हम थीटा में टू एन पाई एड कर देंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड के लिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इस जो भी ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स यानी फंक्शन है या नंबर है इसका हमारे पास क्या हो जाएगा आर्गुमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी हमें अब थीटा चाहिए थीटा, तो थीटा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
कि e की पावर z माइनस आयोटा ओवर z, इसे सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स हम यहाँ से, यानी इसे हम यहाँ पर कह लें ये रियल पार्ट और साथ में स्टूडेंट्स इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी इस फॉर्म में इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स e की पावर आयोटा वाई को, हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं इन टू कॉज ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स y हमारे पास थीटा को ही शो कर रहा है, यानी ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसे e की पावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू e की पावर आयोटा y, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स क्या मिलता है y इज इक्वल टू थीटा। तो y यहाँ पर स्टूडेंट थीटा के ही इक्वल है, तो इससे हम स्टूडेंट्स इस फॉर्म में ले आएंगे तो यहाँ से हमें फिर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम स्टूडेंट्स z माइनस आयोटा ओवर z को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा ओवर x प्लस आयोटा वाई। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि इसे x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं सेम वैल्यू से x माइनस आयोटा वाई से, बिकॉज यहाँ पर प्लस है तो इसलिए हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यू यानी एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ये मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फिर अगर आप देखें तो एक्स प्लस आयोटा वाई अगर ये मल्टीप्लाई हो स्टूडेंट्स एक्स माइनस आयोटा वाई से, तो ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फिर आप स्टूडेंट्स इस आयोटा को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, और ऑलरेडी आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है नेगेटिव वन होता है, तो फिर आप नेगेटिव वन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है वाई। फिर इस नेगेटिव वाई की वजह से बिकॉज स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि इस आयोटा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यह मजीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यानी एक्स के साथ इस वैल्यू को भी डिवाइड कर रहे हैं इसी तरह वाई के साथ इसी वैल्यू को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इस फिर माइनस की वजह से स्टूडेंट्स ये नेगेटिव वाई बन जाएगा। तो अगर हम इसे मजीद देखें तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई नेगेटिव एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मजीद आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या कर लेंगे आप अलहदा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें ये वाली आयोटा वाली टर्म है और ये वाली भी स्टूडेंट्स क्या है आयोटा वाली टर्म है, इनको हमने अलहदा कर लिया और ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म ये आयोटा के अलावा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने इन टर्म्स को अलहदा कर लिया है। फिर अगर आप एलसीएम लें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास फिर वैल्यू आती है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें एलसीएम लें वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आप स्टूडेंट्स इसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करें फिर नेगेटिव वाई लिखें तो ये हमारे पास फॉर्म बनते हैं। इस तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है एलसीएम लेके तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो ये स्टूडेंट z माइनस आयोटा z की क्या वैल्यू आती है हमारे पास ये वैल्यू आती है, हमने इसमें रियल भी अलहदा कर लिए और इमेजिनरी पार्ट्स भी अलहदा कर लिए। फिर आप स्टूडेंट्स लिखेंगे इस e की पावर z माइनस आयोटा z को, ये बन जाएगा e की पावर स्टूडेंट्स यानी ये वैल्यू, ठीक है प्लस, यानी हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि e की पावर z माइनस आयोटा ओवर z को ये हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इस फॉर्म में। ये तो x स्टूडेंट्स क्या है रियल पार्ट है, ये क्या है रियल पार्ट, रियल पार्ट हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमने रियल पार्ट लिख लिया। साथ में स्टूडेंट लिख सकते हैं कॉज इन टू वाई, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट्स ये है, ठीक है यहाँ पर हमने ये इमेजिनरी पार्ट लिख लिया, ठीक है यानी इस फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। तो यहाँ से आप अगर आप ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास थीटा की कौन सी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब
माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। यहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू थीटा प्लस टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहां पर हमने वही फॉर्मूला लिखा है आर्गुमेंट ऑफ जेड का। तो यहां पर हम स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस टू एन पाई, प्लस टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, इंटीजर्स हैं जेड। तो इंटीजर्स में स्टूडेंट्स जीरो भी आएगा, प्लस माइनस वैल्यूज भी आएंगे, ठीक है, प्लस और माइनस की दोनों यानी वैल्यूज यहां पर आएंगी सेट ऑफ इंटीजर्स में। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू है, ठीक है, थीटा प्लस टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो ये आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। तो यहां पर भी हमें स्टूडेंट्स गिवन है आर्गुमेंट ऑफ ए की पावर आयोटा इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट। ये भी आपको पता होगा कि ये आता है एक्स माइनस आयोटा वाई आता है, ठीक है। तो पहले हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी पहले हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स आयोटा इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये हम पहले फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखें जेड प्लस जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ये क्या था स्टूडेंट हमारे पास, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, सिंपल आ जाएगा टू एक्स, फिर आप इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा टू एक्स आयोटा। फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ए की पावर आयोटा इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा ए की पावर आयोटा टू एक्स। तो फिर आप स्टूडेंट्स वही फार्मूला यूज करें e की पावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू यानी कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये आप फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें, ये बन जाएगा कॉज टू एक्स प्लस आयोटा साइन टू एक्स। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, थीटा हमारे पास यहाँ पर टू एक्स आ रहा है। तो वही प्रीवियस फार्मूला यूज करें, तो ये आर्गुमेंट ऑफ ई की पावर आयोटा इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा टू एक्स प्लस टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होता है। इस तरह आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट को। तो यहां पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है आयोटा ई की पावर जेड प्लस वन का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट्स आप e की पावर z प्लस वन साथ में आयोटा, इसको पहले आप कैलकुलेट करेंगे, फिर इस वैल्यू का आप क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें आयोटा e की पावर z प्लस वन इक्वल होगा स्टूडेंट्स आयोटा e की पावर x प्लस आयोटा वाई, यानी हमने z की वैल्यू लिख देंगे, ये आ जाएगी स्टूडेंट्स x प्लस आयोटा वाई आ जाएगी प्लस वन, ये आ जाएगा वैसे। तो मजीद आप e की पावर x प्लस आयोटा y, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर x डॉट e की पावर आयोटा y, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि e पावर आयोटा y की वैल्यू क्या आएगी, कॉज ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ y। फिर आप इस आयोटा e की पावर x को कॉज से भी मल्टीप्लाई करें, साइन से भी मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा आयोटा e की पावर x कॉज y प्लस आयोटा, ठीक है, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज यहां पर भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर e की पावर x साइन y प्लस वन। तो आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कि वो होगा नेगेटिव वन के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा आयोटा e की पावर x कॉस y माइनस e की पावर x साइन y प्लस वन। फिर स्टूडेंट्स आप यहां से रियल पार्ट को लेदा करेंगे तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा वन नेगेटिव e की पावर x साइन ऑफ y, ये रियल पार्ट बनेगा स्टूडेंट्स। फिर प्लस लिखेंगे आयोटा e की पावर x कॉज ऑफ y, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आ रही है, आयोटा e की पावर z प्लस वन, ये हमें वैल्यू मिल गई। फिर आप इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे तो फिर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा,
कि यहाँ भी आई होता है उसके साथ अगर प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, आयोटा ए की पावर जेड प्लस वन का कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा वन माइनस ए की पावर एक्स साइन ऑफ वाई, फिर यहां पर नेगेटिव आयोटा ए की पावर एक्स कॉज ऑफ वाई। ये स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इन प्रॉब्लम्स 9 to 12, एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। तो यहां पर हमें स्टूडेंट्स ये एफ ऑफ जेड हमें स्टूडेंट्स फंक्शन गिवन है यानी जेड की फॉर्म में, तो इन्हें हमने स्टूडेंट्स चेंज करना है एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का रियल पार्ट है और ये क्या उसका इमेजिनरी पार्ट है, यानी मुझे रियल पार्ट को भी अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को भी अलग करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, तो यहां पर हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर माइनस आयोटा जेड। तो पहले आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर जेड की वैल्यू आप पुट करेंगे वो होगी स्टूडेंट्स एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि हमने इसे एक्स और वाई की फॉर्म में ले आना है। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर माइनस इंटू सॉरी माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस माइनस आयोटा से इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, यहां पर पहले आप स्टूडेंट्स क्या करें कि इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर माइनस आयोटा इन टू एक्स प्लस आयोटा वाई है स्टूडेंट्स, तो इससे अगर हम लिखें तो ये आता है स्टूडेंट्स e की पावर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स माइनस, ठीक है, यह बन जाएगा स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर वाई बन जाएगा, तो ये आता है स्टूडेंट्स e की पावर माइनस आयोटा एक्स, फिर ये बन जाएगा स्टूडेंट्स प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर वाई माइनस आयोटा एक्स, इसे अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आता है e की पावर वाई डॉट e की पावर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, तो आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स e की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो e की पावर y डॉट इनटू लिख सकते हैं हम cos ऑफ x माइनस आयोटा sin ऑफ x। ठीक है, यानी हमें स्टूडेंट्स पता है कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा sin ऑफ थीटा, इसके इक्वल। तो यहां पर हमने वही अप्लाई किया फार्मूला, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर y cos ऑफ x माइनस आयोटा e की पावर y sin ऑफ x, ये हम स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो देखें हमारे पास ये रिजल्ट आता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू e की पावर y cos ऑफ x माइनस आयोटा e की पावर y sin ऑफ x। तो यहां से स्टूडेंट्स हमने इसे यही फॉर्म में लिख लिया u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में। तो यहां से अगर आप इसे इस फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, e की पावर y cos ऑफ x है, इस तरह स्टूडेंट्स v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव e की पावर y sin ऑफ x की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर पहले आपने क्या करना है कि यहां पर आपने ये लगा देना है साइन नेगेटिव बाहर है स्टूडेंट्स, तो फिर आपने इसे फिर अप्लाई करना है तो ये फिर ये प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपने ब्रैकेट लगा लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर टू जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा। तो पहले आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वही जेड की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जेड कॉन्जुगेट गिवन है। ठीक है, तो जेड कॉन्जुगेट स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई गिवन होगा, तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पर ए की पावर टू इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स ए की पावर टू एक्स माइनस टू आयोटा वाई
प्लस एल्टा, फिर यहां से आप रियल भी अलग कर लेंगे और इमेजिनरी भी अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा ई पावर टू एक्स प्लस एल्टा इंटू वन माइनस टू वाई। ठीक है, फिर से आप लिख सकते हैं ई की पावर टू एक्स नॉट ई की पावर एल्टा इंटू वन माइनस टू वाई। फिर स्टूडेंट्स आपको बताया कि इसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, कॉज एन टू वन माइनस टू वाई प्लस एल्टा साइन एन टू वन माइनस टू वाई। फिर आप ई की पावर टू एक्स को कॉज से भी मल्टीप्लाई करें और साइन से भी मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू आती है ई की पावर टू एक्स कॉज एन टू वन माइनस टू वाई प्लस एल्टा एन एल्टा ई की पावर टू एक्स डॉट साइन एन टू वन माइनस टू वाई। अगर आप इस फार्मूले के साथ इसे कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर ये यू की वैल्यू आती है और ये वी की वैल्यू आती है, यानी ये पहली स्टूडेंट्स यू की वैल्यू होगी और ये सेकेंड वाली स्टूडेंट्स ये क्या होगी, ये टोटली वी की वैल्यू होगी, ये यू और ये साथ में वी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर जेड का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो पहले आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जेड की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस एल्टा वाई, सिंपल आ जाएगा एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस एल्टा वाई का स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि एक्स प्लस एटा वाई का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा। फिर आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट ए की पावर टू एक्स वाई आयोटा। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे ई की पावर आयोटा थीटा का, ये आता है कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉज ऑफ टू एक्स वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ टू एक्स वाई। तो फिर आप ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कॉज से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन से, तो यहाँ से आप हमारे पास हासिल होता है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ टू एक्स वाई प्लस एल्टा ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ टू एक्स वाई। अगर आप वही प्रीवियस फार्मूले के साथ इसे कंपेयर करें तो यहाँ से हमें यू की वैल्यू हासिल होती है और वी की हासिल होती है वैल्यू। ठीक है, तो ये आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर वन ओवर जेड। तो पहले आप स्टूडेंट्स वन ओवर जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखें ये हमारे पास आती है स्टूडेंट्स वन ओवर एक्स प्लस एल्टा वाई। तो इसे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक्स माइनस एल्टा वाई से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो फिर स्टूडेंट्स आप इस वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है एक्स माइनस एल्टा वाई। फिर स्टूडेंट्स आप इन दोनों वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें हासिल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसे आप लिख सकते हैं एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड नेगेटिव आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स ए की पावर वन ओवर जेड था, तो ए की पावर वन ओवर जेड को हम लिख सकते हैं ए की पावर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट ए की पावर माइनस एल्टा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आपको स्टूडेंट्स पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉज ऑफ वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर नेगेटिव आयोटा साइन ऑफ y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर आप स्टूडेंट्स e की पावर x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन से, तो यहाँ से हमारे पास u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी और v ऑफ एक्स वाई की ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी यहाँ पर।
इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, यूज द सफिशियंट कंडीशंस फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम पेज 155 इन सेक्शन 3.2 टू डिटरमाइन वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 3 में कॉशी रिमान इक्वेशंस को आप स्टडी कर चुके हैं, कॉशी रिमान इक्वेशंस। तो ये हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, रिमान इक्वेशंस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास होती हैं पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल होता है स्टूडेंट्स पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। इस तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल होता है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। तो ये हमारे पास क्या है, कॉशी रिमान इक्वेशन है। तो अगर कोई फंक्शन इन कॉशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एनालिटिक होते हैं फंक्शन, यानी डिफरेंशिएबल होते हैं। ऐसा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल हो स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, एक एनालिटिक फंक्शन होता है। तो अगर हमने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक कॉशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर कोई फंक्शन कॉशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। अगर वो स्टूडेंट्स फंक्शन कॉशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा, नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, नो वेयर डिफरेंशिएबल, यानी ऐसा फंक्शन जो कॉशी रिमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, जो कर जाएगा वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, जो नहीं करेगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा। तो हम सिंपल स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हमें एफ ऑफ जेड जो गिवन है, यहां से स्टूडेंट हम यू की वैल्यू भी हासिल करेंगे और वी की वैल्यू भी। अगर हमारे पास यू और वी की वैल्यू हासिल होंगे स्टूडेंट्स, फिर हम स्टूडेंट्स ये कॉशी रिमान इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहां पर हमें गिवन है ए की पावर 2z कॉन्जुगेट प्लस एटा। तो इसी अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास हासिल होता है ए की पावर 2x कॉस ऑफ 1 माइनस 2y प्लस एटा ए की पावर 2x साइन ऑफ 1 माइनस 2y। ये हमें भी स्टूडेंट्स प्रीवियस स्लाइड्स पर इसे सॉल्व वैसे कर चुके हैं। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ रही है, इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट्स की आ रही है v की वैल्यू आ रही है। u की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है e की पावर 2x cos of 1 minus 2y, इस तरह स्टूडेंट हमारे पास v की वैल्यू है e की पावर 2x sin of 1 minus 2y। तो फिर स्टूडेंट्स आप ये कॉशी रिमान इक्वेशन होल्ड करेंगे। तो पहले स्टूडेंट आप फाइंड करेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x और फिर आप फाइंड करेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ठीक है, तो पहले देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल x, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट लिख लेते हैं u की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये e की पावर 2x cos ऑफ 1 माइनस 2y। तो हमने स्टूडेंट्स इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ux। तो स्टूडेंट ux इक्वल होता है पार्शियल u ओवर पार्शियल x के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x, फिर स्टूडेंट यहाँ पर आप वैल्यू लिखेंगे u की e की पावर 2x cos ऑफ 1 माइनस 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप इससे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये cos वाली टर्म स्टूडेंट्स वैसे रहेगी, क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व है तो ये टर्म वैसे रहेगी। आपने सिर्फ सिंपल e की पावर 2x का ही डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप e की पावर 2x का डेरिवेटिव लेते हैं तो सिंपल आंसर होता है 2 e की पावर 2x। ये सिंपल स्टूडेंट्स कॉज वैसे रहेगा, बिकॉज इसमें y इन्वॉल्व है तो हमने स्टूडेंट्स डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें y इन्वॉल्व है इसलिए स्टूडेंट्स ये टर्म वैसी ही रहेगी। तो सिंपल ये स्टूडेंट हमारे पास यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, तो इस टर्म को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं u, इस टर्म को, बिकॉज ये u के इक्वल है।
तो यू एक्स आप लिख सकते हैं ये इक्वल है टू यू के, ठीक है। यहां पर हमने लिख लिया यू एक्स इज इक्वल टू टू यू। इस तरह अगर आप पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई लेते हैं तो वी स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास है ए की पावर टू एक्स साइन इन टू वन माइनस टू वाई। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहां पर लिख लेते हैं वी हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स ए की पावर टू एक्स साइन ऑफ वन माइनस टू वाई, ये हमें गिवन है। जब आप वी एक्स सॉरी वी वाई कैलकुलेट करेंगे तो आपने स्टूडेंट्स ये एक्स वाली टर्म ये वैसी रहेगी, बिकॉज इसमें एक्स इन्वॉल्व है तो ये स्टूडेंट्स वैसे ही टर्म रहेंगे। हमने अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है क्योंकि इसमें वाई इन्वॉल्व है। तो देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन का स्टूडेंट्स हमारे पास डेरिवेटिव क्या आता है कॉस आता है, ये आ जाएगा वन माइनस टू वाई। फिर आपने वन माइनस टू वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेना है तो ये सिंपल आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस टू। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि वी वाई विच इज इक्वल टू माइनस टू ए की पावर टू एक्स कॉस ऑफ वन माइनस टू वाई। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि साइन का डेरिवेटिव ले लेते हैं और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लेते, तो आपने स्टूडेंट्स इस टर्म का भी डेरिवेटिव साथ में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हमें वी वाई की वैल्यू मिल जाएगी माइनस टू ए की पावर टू एक्स डॉट कॉज इन टू वन माइनस टू वाई, ठीक है। तो अगर आप इस टर्म को देखते हैं तो ये स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल है यानी टू यू के इक्वल है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास वी वाई विच इज इक्वल टू माइनस टू यू। तो अगर स्टूडेंट्स ये कॉशी रिमान इक्वेशन अगर होल्ड होती तो ये स्टूडेंट दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए थी, यानी यू एक्स इक्वल आता स्टूडेंट्स वी वाई के, लेकिन यहाँ पर तो स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल नहीं है। यू एक्स इक्वल है स्टूडेंट्स टू यू के इक्वल है, अगर हम वी वाई को देखते हैं स्टूडेंट ये माइनस टू यू के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पहली कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो ये होल्ड नहीं हो रही। तो सेकंड कंडीशन को चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर कोई एक कंडीशन भी अगर होल्ड नहीं होती तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज ये कॉशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये स्टूडेंट्स एनालिटिक फंक्शन भी नहीं है, तो अगर एनालिटिक फंक्शन नहीं है तो ये स्टूडेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन भी नहीं है। तो सेकंड कंडीशन को अगर आप चेक करें या ना करें तो वो आपकी मर्जी है। अगर कोई एक कंडीशन भी अगर आप फाइंड कर लेते हैं कि ये ट्रू नहीं है कोई एक कंडीशन भी, तो वो फंक्शन स्टूडेंट ना ही डिफरेंशिएबल होगा और ना ही स्टूडेंट्स वो एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये स्टूडेंट्स नो वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो नेक्स्ट मैंने ये सेकंड कंडीशन चेक की तो वो तो इक्वल आ रही है, यानी वो सेकंड कंडीशन होल्ड हो रही है। सेकंड जो कंडीशन थी स्टूडेंट्स वो तो हमारे पास होल्ड हो रही है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या एनालिटिक है तो उसके लिए स्टूडेंट्स कॉशी रिमान इक्वेशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। अगर कोई एक भी मिसिंग हो जाती है सेटिस्फाई नहीं होती तो वो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू ए की पावर टू जेड कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, ये स्टूडेंट्स क्या है नो वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये आप स्टूडेंट्स यहां पर कॉशी रिमान इक्वेशन अप्लाई करेंगे इसे चेक करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी को, तो यहां पर इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा कि ये नो वेयर स्टूडेंट्स क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो ये भी स्टूडेंट्स सेम प्रोसीजर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। तो यहाँ पर हमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एफ ऑफ जेड गिवन है ए की पावर जेड का स्क्वायर। तो अगर आप इसे वैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आयोटा, ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आती है ए की पावर जेड स्क्वायर की। तो इसे हम स्टूडेंट्स मजीद लिख सकते हैं ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन टू कॉज ऑफ
2xy plus theta sine of 2xy. ये स्टूडेंट्स हम प्रीवियस स्लाइड्स पर इस मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सिंपल बन जाएगा a की पावर x square minus y square cos of 2xy plus iota a की पावर x square minus y square sine of 2xy. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमारे पास u की वैल्यू है e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कॉस ऑफ 2xy. इस तरह अगर यहां से v की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर साइन ऑफ 2xy की. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अगर हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है स्टूडेंट्स, तो हमें वही प्रीवियस काशी रिमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी होगी, यानी यू एक्स स्टूडेंट्स इक्वल होगा वी वाई के. और अगर हम देखते हैं यहाँ पर वी एक्स स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होगा माइनस यू वाई के, या हम लिख सकते हैं कि यू वाई इक्वल होगा माइनस वी एक्स के. तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स की हैं कॉशी रिमान इक्वेशन हैं. तो पहले हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इनको चेक कर लेते हैं, अगर कोई फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, तो देखते हैं पहले यू एक्स आप फाइंड करें यू एक्स. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना डेरिवेटिव, तो यहाँ पर भी एक्स इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी एक्स इन्वॉल्व है. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म आप वैसे लिख दें, सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना डेरिवेटिव, तो कॉस का स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन एंड टू टू एक्स वाई. ठीक है, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स किस चीज का, हमारे पास है 2xy का विद रिस्पेक्ट टू x. तो अगर आप इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट क्या होता है, 2y आ जाता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2, ये स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया, तो यहाँ पर हम मजीद लिखेंगे प्लस ये कॉज ऑफ 2xy वैसे, फिर हमने डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ठीक है, तो ये बन जाएगा रिजल्ट माइनस 2y e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ 2xy. फिर स्टूडेंट यहां पर अगर हम देखें इस टर्म का अगर डेरिवेटिव देखें, यहां पर हम लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर आप इसका डेरिवेटिव देखते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें मिलता है ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. फिर डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा सिंपल 2x. तो ये हमें मिलेगा 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर cos ऑफ 2xy. तो अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स u और v को मेंशन कर दें तो ये स्टूडेंट्स बनेगा हमारे पास माइनस 2yv प्लस 2xu बनेगा. तो ये हमारे पास यू एक्स की वैल्यू आ रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट देखते हैं वी वाई को, तो यहां पर लिख लेंगे वी वाई विच इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल y इंटू v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी e की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर
साइन ऑफ 2xy, ठीक है, फिर आप वही प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा a की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब साइन का डेरिवेटिव लें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनता है साइन का cos, cos ऑफ 2xy, फिर आप स्टूडेंट लास्ट में ये 2xy का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से मिलते हैं स्टूडेंट 2x मिलता है, फिर प्लस लिख देंगे ये साइन 2xy, फिर स्टूडेंट्स आप a की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये पहले तो स्टूडेंट हमें मिलेगा a की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर हमें डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमें लेना पड़ेगा किस टर्म का, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का, तो यहां पर ये रिजल्ट आएगा स्टूडेंट हमारे पास 2x a की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो ये साथ में आ जाएगा cos ऑफ 2xy। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव क्या होता है, ये यहाँ से मिलता है माइनस 2y मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे माइनस 2y a की पावर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर साइन ऑफ 2xy। तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनता है 2x, ये स्टूडेंट्स इन टोटल वैल्यू किसके इक्वल है, ये वाली टोटल वैल्यू u के इक्वल है, ये माइनस 2y v, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2y v प्लस 2 u x, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, v y की वैल्यू आ रही है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करें u x को और v y को, तो ये दोनों स्टूडेंट्स क्या है, इक्वल वैल्यूज है, ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। देखिए यहां पर यू एक्स इक्वल है स्टूडेंट्स वी वाई के, यानी माइनस टू वाई वी, ये स्टूडेंट्स इक्वल है यहां पर माइनस टू वाई वी के, इस तरह टू एक्स यू इक्वल है टू एक्स यू के, तो ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट यहां पर सेम आ रही है। अब हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं, तो यहां पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है यू एक्स या सॉरी यू वाई, यू वाई विच इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ठीक है, तो पहले हम स्टूडेंट्स यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं डेरिवेटिव, तो यू हमारे पास स्टूडेंट यहां पर लिख लेते हैं, यू हमारे पास गिवन है ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ टू एक्स वाई, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें यू वाई, तो ये बन जाएगा सिंपल स्टूडेंट्स ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन कॉस का माइनस साइन टू एक्स वाई, फिर आप स्टूडेंट्स टू एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमें मिलेगा स्टूडेंट्स टू एक्स मिलेगा, तो प्लस आएगा साथ में कॉस ऑफ टू एक्स वाई, आप डेरिवेटिव लेंगे ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये वैसे आ जाएगी वैल्यू, साथ में आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस टू वाई, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें हासिल होगा माइनस टू एक्स ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ टू एक्स वाई, ठीक है, फिर स्टूडेंट यहाँ पर ये भी हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है माइनस टू वाई, ठीक है स्टूडेंट्स, टू वाई ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस ऑफ टू एक्स वाई, तो ये स्टूडेंट में मिल रहा है माइनस टू एक्स वी माइनस टू वाई यू, ये हमें स्टूडेंट्स यू वाई की वैल्यू मिल रही है। अब हम फाइंड करते हैं कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स, वी एक्स, ठीक है, हम वी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वैसे हमें स्टूडेंट्स वी इक्वल है ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ टू एक्स वाई, इसके इक्वल, तो यहां से अगर आप वी एक्स फाइंड करेंगे तो यहां से लोग स्टूडेंट्स प्रोडक्ट यूज करेंगे ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो साइन का डेरिवेटिव लेंगे, ये आ जाएगा कॉस
टू एक्स वाई, फिर आप टू एक्स वाई का रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमें मिलेगा टू वाई मिलेगा, फिर प्लस स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा कॉस टू यानी साइन टू एक्स वाई, यहाँ पर कॉस नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर साइन है, तो साइन टू एक्स वाई, फिर आप लेंगे डेरिवेटिव e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ से मिलता है टू एक्स मिलता है, ठीक। तो ये हमारे पास हासिल होगा टू वाई e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉज ऑफ टू एक्स वाई, फिर प्लस टू एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन ऑफ टू एक्स वाई, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसको अगर देखें तो ये u यानी यहां से मिल रहा है टू वाई यू, ठीक है, प्लस टू एक्स वी। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं सेकंड कंडीशन को, तो वो स्टूडेंट हमारे पास थी कि यू वाई इक्वल होना चाहिए माइनस वी एक्स के। तो अगर हमारे पास वी एक्स गिवन है तो अगर हम माइनस वी एक्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा माइनस टू वाई यू माइनस टू यू वी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर यानी एक्स है, ये एक्स है, सॉरी एक्स भी। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं तो इस वैल्यू को भी चेक करें और इस वैल्यू को भी चेक करें तो ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल वैल्यूज है, यानी इस फॉर्म को हम दोबारा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, माइनस वी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वी माइनस टू वाई यू। तो ये आप ऑब्जर्व अब देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के इक्वल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रही है कि कॉशी रिमान्स इक्वेशंस यानी कॉशी रेमान इक्वेशंस स्टूडेंट्स क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो अगर कॉशी रिमान्स इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, ठीक है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू जेड की अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो उस रूप में स्टूडेंट ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, ये क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।